बीआरएस ने तेलंगाना के लोगों के लिए भेजा का जो पैसा भेजा ना, उसमें भी लूट चलाई। लूट सके तो लूट, यही उनका मंत्र है। ना कुटुंब सभ्युलारा, भारत जैसे लोकतंत्र देश में प्रजा का महत्व होना चाहिए, परिवारवादियों का नहीं। और इन्होंने तो लोकतंत्र को लूट तंत्र बना दिया है, प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया है। तेलंगाना के निर्माण के लिए हजारों परिवार संघर्ष करते करते तबाह हो गए, अनेकों नौजवानों ने बलिदान दिया, माताएं बहनों ने मुसीबतें झेली, लेकिन एक परिवार ने सब कुछ कब्जा कर लिया और उन परिवारों को कोई पूछने वाला नहीं है। तेलंगाना में बस एक ही परिवार ने यहाँ के लाखों परिवारों के सपनों पर कब्जा कर लिया है। वर्तमान तेलंगाना में या तो केसीआर खुद है, या उनके बेटे हैं, या उनकी बेटी है, या उनके भतीजे हैं, या उनके भांजे हैं, या चाहे उनके ससुराल वाले हैं, कोई बचा ही नहीं है, बस यही काम लूटो। क्या आपने कभी सोचा है वो कैसे आपके एक वोट का उपयोग केवल अपने परिवार को अमीर बनाने में कर रहे हैं? इन लोगों ने तेलंगाना में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। ना कुटुंब सभ्युलारा, परिवारवाद का सबसे बड़ा नुकसान देश के युवा को उठाना पड़ता है। जब पूरा सिस्टम एक परिवार की सेवा में लगा रहता है, तब वो परिवार सिस्टम में टॉप से लेकर बॉटम तक उन्हीं लोगों की भर्ती करता है जो उनके करीबी हो। तेलंगाना के नौजवानों को वो अवसर नहीं मिलता। फिर किसी भी महत्वपूर्ण पद पर तेलंगाना के तेजस्वी युवा को भी कोई मौका नहीं मिल पाता। इन लोगों से अलग बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो किसी विशेष परिवार के बजाय सामान्य मानवीय और उसके परिवार के लिए काम करती है।